मैं बनाने जा रही हूँ लिट्टी चोखा, साथ में बनाऊंगी धनिया की चटनी। लिट्टी चोखा बिहार की पारंपरिक डिश है जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आप स्पाइसी खाने का शौकीन है तो लिट्टी चोखा आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसे मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी जो घर पर आप 15 से 20 मिनट में इसे आप रेडी कर सकते हैं। इसे फ्रेंड्स मैं पैन में बनाऊंगी, बहुत ही कम समय लगता है और झटपट तैयार हो जाता है। तो इस मज़ेदार रेसिपी को मैं शुरू करती हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे भी आगे बढ़ने में सपोर्ट करें। तो यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूँ का आटा लिया है, स्वाद अनुसार इसमें नमक डाला है और थोड़ा सा कलौंजी और थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाला है। 2 चम्मच मैंने घी को गर्म करके डाला है और अच्छे से आटे में मिला दिया है। इससे जो बाटी में टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है, अंदर से नरम रहेगा, ऊपर से क्रिस्पी बनता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के बिल्कुल ही हार्ड डो लगा दिया है और इसे रेस्ट पर भी रख दिया है। जब भी आप लिट्टी का आटा लगाते हैं तो थोड़ा हार्ड ही रखिएगा, बाटी है जो बहुत ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पर हरा धनिया लिए है, 2 हरा मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, सभी को काट कर जार में डाल दिया है। ये देखिए मैं डालूँगी 1/2 नींबू का रस। ये देखिए नींबू का रस डालने से चटनी है जो काला नहीं पड़ता है। स्वाद अनुसार नमक डाला है, सभी को यहाँ पर मैंने पीस लिया है। तभी मैं चटनी को साइड में रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने बैंगन लिया है, टमाटर लिया है, आपके पास जो भी बैंगन है उसे भी आप चोखा बना सकते हैं। मेरे पास लंबे वाले थे तो इसी से मैं चोखा बनाऊँगी। फिर मैंने इस तरह के जाली रखा है और बैंगन टमाटर दोनों को ऊपर रख दिया है और इसे मीडियम गैस पर सेक लूँगी इस तरह से उलटते पलटते, ताकि बराबर से बैंगन और टमाटर दोनों ही पक जाए। तो यहाँ पर बैंगन और टमाटर देख सकते हैं अच्छे से पक गया है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। जब भी आप बैंगन का पकाते हैं तो उसके बाद आप इसे ना धोए, इससे जो टेस्ट है चोखे में अच्छा नहीं आता है। आप इस तरह से बैंगन का जो है छिलका ठंडा होने के बाद निकाल ले। मैं इसे नहीं धोई हूँ, जो सोना सोना खुशबू आते हैं बैंगन के चोखे में वो नहीं आते हैं फ्रेंड्स। तो एक बार इस तरह से भी आप बना के देखिएगा। तो इसे मैं अच्छे से मसल लेती हूँ। इसमें मैं बॉयल आलू डाल रही हूँ, इसे भी इसके साथ मसल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मसल लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी दरदर बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक, हरा मिर्च है, सभी को इसमें डाल दिया है। बारीक कटा हुआ 1 मैंने मीडियम साइज प्याज लिया था वो मैंने डाला है, बारीक कटा हुआ धनिया डाला है और इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है। सभी को अच्छे से मैं मिला देती हूँ। चोखा में मैंने नमक डाल दिया था फ्रेंड्स, जो मैं नहीं दिखा पाई। तो चोखा बिल्कुल रेडी हो गया, साइड में मैंने रख दिया। यहाँ पर चना का सत्तू लिया है, इसका है मसाला जो रेडी कर लेती हूँ। जार में हरा मिर्च डाला है, लहसुन डाला है, अदरक डाला है। आप चाहे तो बारीक टुकड़ों में भी कट करके डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप पीस के डालिएगा तो जो सत्तू में है टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो 12-13 वो मैंने गोल मिर्च डाला है और थोड़ा सा खड़ा जीरा डाला है। सभी को मैं दरदरा पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पीस के रेडी कर लिया है। इस मसाले को सत्तू में डाल देती हूँ। ये देखिए बारीक कटा हुआ इसमें प्याज डाला है, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाला है, इसमें कलौंजी और थोड़ा सा अजवाइन डाला है, इसे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। 1/2 नींबू का रस इसमें डाला है और ये मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है। आप चाहे तो इसमें अचार का मसाला भी डाल सकते हैं। तो सभी स्वाद अनुसार नमक डाला है और सभी चीज़ों को अच्छे से मैं मिला देती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है और ये देखिए इस तरह से इसे मिलाते रहना है। तो ये बिल्कुल ही मसाला जो सत्तू का रेडी हो गया है, तो साइड में अभी रख दिया है। और यहाँ पर मैंने आटे में से इस तरह से लोई बनाने के लिए तोड़ लिया है। तो ज़्यादा बड़ा भी मत लीजिएगा, जो रोटी साइज का गोला बनाते हैं बस उतना ही साइज का मैंने गोला रखा है। ये देखिए थोड़ा सा सूखा आटा लगाया और इस तरह से चटाई जैसा मैं बना लूँगी। और जो मसाला रेडी किया है सत्तू का वो मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसे इस तरह से हाथ से दाबते हुए डालते रहना है।
ताकि ये बाहर ना निकले। देखिए इस तरह से घुमाते हुए से, देखिए अब ये बिल्कुल ही रेडी हो गया है। ये देखिए, और इसी तरह से सारा मैं बाटी है जो रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सारा बाटी को मैं इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से आसानी से हो जाता है। बस आटा है जो इसका टाइट ही रखिएगा, अगर ढीला रखिएगा तो अच्छे से बाटी नहीं बनता है। तो बाटी बिल्कुल ही रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसे सेक लेती हूँ, तो पैन रखा है सेकने के लिए, और सारे बाटी को इस तरह सेक करके पैन के अंदर डाल देती हूँ। गैस को ज़्यादा नहीं रखना है फ्रेंड्स, गैस को आप कम ही रखिएगा, और इस तरह से इसे उलटते पलटते मैं सेक लेती हूँ। तो यहाँ पर उलटते पलटते मुझे 10 से 15 मिनट हो गया है, और ये देखिए बाटी है जो बहुत ही अच्छे से अंदर तक पक गया है। ये देखिए, आपको बाटी को देखकर ही लग रहा होगा कि अंदर तक बिल्कुल ही अच्छे से पक गया है। ये आपको जो दरारें दिख रहे हैं, ये आपको देखने से ही लग रहा होगा कि अंदर तक ये कितना पका हुआ है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और आपको मैं सब करके दिखाती हूँ। तो ये यूपी बिहार का फेमस रेसिपी है फ्रेंड्स, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे डिनर में भी खा सकते हैं, लंच में भी बना सकते हैं, और ये ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने घी को गर्म करके बाटी के ऊपर से डाल दिया है। आप चाहे तो घी के अंदर ही बाटी को डालकर खा सकते हैं, और अच्छे से मैं सारे बाटी में घी को मिला लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिला दिया है, तो अब मैं इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो एक बार प्लीज फ्रेंड्स, इस रेसिपी को घर पर मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए बहुत ही खाने में आपको टेस्टी लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी ना लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं, मैं उस गलती को सुधारने का कोशिश करूँगी। और मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और इस रेसिपी को प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर से इस तरह से बनाकर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो फिर उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आज की मेरी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।